हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 0.5 kVA का जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, उसको कैसे आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, यानी उसका बोर्ड कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो में फुल स्टेप बाई स्टेप जानकारी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा तो आप भी बहुत ही आसानी से 0.5 kVA का जो स्टेबलाइजर है उसको आप घर बैठे ही उसका बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बन रही है, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगने से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को करते हैं शुरू। फाइनल दोस्तों, मेरे पास है 90 वोल्ट टू 280 वोल्ट 0.5 kVA का एक स्टेबलाइजर। दोस्तों ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज 220 दोस्तों आपको ऑटोमेटिक मिलता ही रहेगा 90 वोल्ट इनपुट होने से। तो दोस्तों उसका हालत अभी बहुत ही ख़राब है, उसका अंदर कनेक्शन सब कुछ कटा हुआ है, तो रिपेयर होने के लिए मेरे पास आया है। तो अभी उसका वायरिंग चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी दिखा दूं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो 0.5 kVA का होता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसका बोर्ड मेन कंट्रोलर ये है। तो दोस्तों कंट्रोलर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, 1, 2, 3 प्रीसेट लगा हुआ है और यहाँ पे 3 रैली लगा हुआ है दोस्तों। ये रैली 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, यानी ये रैली का मतलब होता है स्विचिंग। तो ये ऑन ऑफ 12 वोल्ट से होता है। उसका जो कोयल है, उसका कोयल में 12 वोल्ट देने से ये रैली काम कर देता है। तो सेम 3 रैली लगा हुआ है 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला। तो सिंपल कनेक्शन होगा उसका, ये बोर्ड में 12 वोल्ट इन कराना पड़ेगा और ये बोर्ड चालू हो जाएगा। तो मेन कनेक्शन इस तरफ होगा, यहाँ पे देखिए ये तरफ होगा। और दोस्तों एलईडी का कनेक्शन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे एलईडी कटा हुआ है। और जो वोल्टेज इन आउट का स्विच था, ये स्विच ख़राब हो चुका है। तो ओनली आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए ये मीटर को लगा दूंगा एक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आता है दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है कोयल, ये कोयल भी कभी कभी ख़राब हो जाता है तो मीटर बंद हो जाता है और मीटर में शॉर्ट सर्किट डायरेक्ट पहुंचता है, डायरेक्ट फुल वोल्टेज पहुँच गर्म होकर ख़राब हो जाता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को ट्रांसफार्मर दिखा दो। ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पे दोस्तों पांच पॉइंट दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये साइड में आपको 5 कनेक्शन मिलेगा और ये साइड में मिलेगा 3 कनेक्शन। तो आप लोगों को दिखा दो, सब कुछ काटा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आप भी स्टेबलाइजर बना सकते हैं, मेन पार्ट दोस्तों स्किप करने से चला जाएगा। तो देखिए ये हो गया न्यूट्रल दोस्तों, ये साइड में जो कोयल का टर्मिनल निकला हुआ है पॉइंट, ये सब का कॉमन हो गया, ये हो गया न्यूट्रल। और दोस्तों देखिए यहाँ पे और 2 कनेक्शन, जो कि दोस्तों उसका बोर्ड को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, तो 12 वोल्ट के लिए अलग से ट्रांसफार्मर उसके अंदर नहीं दिखाई दिया। फाइनल दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट आपका वोल्टेज मीटर का कनेक्शन करना है। तो देखिए वोल्टेज मीटर का न्यूट्रल डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल से जुड़ गया है। और दोस्तों वोल्टेज मीटर उसका सिर्फ आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, तो और एक जगह डायरेक्ट आपका चॉकेट में जाएगा आउटपुट। और देखिए जो इनपुट केबल था, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये बाहर वाला जो केबल है, जो केबल से इनपुट होगा, उसी केबल का एक तार आपका फ्यूज में चला जाएगा और एक
न्यूट्रल यानी चॉकलेट का एन पे आएगा, ये वाला चॉकलेट का न्यूट्रल है। तो और दोस्तों देखिए, चॉकलेट से एक तरह ट्रांसफार्मर में आया है न्यूट्रल। और दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट एसी सप्लाई दोस्तों यहाँ पे बोर्ड में दिया गया है। तो बोर्ड में कहाँ पे डालना है, जहाँ पे दो डायोड लगा होगा तो आप डायोड में और ग्राउंड लगा देने से ये बोर्ड चालू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए इनपुट रिले का पोल में आपको इनपुट कराना है, तो येलो केबल से इनपुट हुआ है। और ट्रांसफार्मर में जो पास कनेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, यानी दोस्तों पास कनेक्शन ये बोर्ड में हो जाएगा। और दोस्तों देखिए जो सेकेंड रिले का पोल से आउटपुट होगा, तो दोस्तों देखिए सेकेंड रिले का पोल से आउटपुट हो रहा है। और इंडिकेटर उसका कनेक्शन आप लोगों को दिखा दूँ, इंडिकेटर का कनेक्शन प्लस माइनस। और दोस्तों देखिए यहाँ पे कर दिया है, तो जो 12 वोल्ट यहाँ पे डाला गया है उसी 12 वोल्ट का ग्राउंड डायरेक्ट यहाँ पे आया है, तो यहाँ से ग्राउंड गया है, ग्राउंड यहाँ तक आया है। और दोस्तों जो पॉजिटिव है यहाँ से डायोड द्वारा यहाँ पे आया है और यहाँ से घूम घूम के यहाँ तक आया है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस 12 वोल्ट टू 3 वोल्ट कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ चुका है। तो ये हो गया एलईडी। तो सिंपल वायरिंग है दोस्तों, स्टेप लेजर में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक कंट्रोलर होता है दोस्तों। यहाँ पे 1, 2, 3 रिली है दोस्तों, यहाँ पे एक रिली का काम होता है दोस्तों कट आउट करना, यानी ज़्यादा वोल्टेज होने से उसको कट ऑफ कर देना। और एक रिली का काम हो गया आपका इनपुट कराना, इनपुट कराने से, और ये दोनों सेम है इनपुट और आउटपुट दोस्तों, ये वाला से इनपुट होगा, ये वाला से आउटपुट। और ये दोनों का जो टर्मिनल है, जो कनेक्शन है, सब ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर में आ चुका, यानी वोल्टेज कमेगा घटेगा उस हिसाब से ये रिले भी ऑन ऑफ करके वोल्टेज को एडजस्टमेंट करेगा, मतलब एडजस्ट करेगा। और दोस्तों वोल्टेज कमाना है, बढ़ाना है, तो यहाँ पे प्रीसेट लगा हुआ है, तो आप मान लीजिए कट ऑफ कितना वोल्ट में करना है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों आउटपुट कितना वोल्ट लेना है, हाईएस्ट कितना वोल्ट तक लेना है वो आप कर सकते हैं। और इनपुट वोल्ट आप कितना तक कराना है, तो ये भी यहाँ पे प्रीसेट द्वारा आप सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होगा। तो अभी उसको टेस्टिंग करने का समय, तो मैं आप लोगों को बिजली इन करा के टेस्टिंग करा के दिखा देता हूँ ये वायरिंग काम करता है या नहीं। तो फाइनल दोस्तों कनेक्शन पूरा सेटअप कंप्लीट है, अभी उसको चेकिंग करने वाला हूँ। तो चेकिंग करने के लिए मैं ये स्टेबलाइजर में पावर देने वाला हूँ, यानी बिजली देने वाला हूँ, तो आप सीरीज बोर्ड यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो चुका है और मीटर भी वोल्टेज शो हो रहा है 240 वोल्ट। तो मैं फिर से लगाता हूँ दोस्तों, अभी सीरीज बोर्ड से चल रहा है, डायरेक्ट बोर्ड में लगाने से देखने वाला है दोस्तों सही काम कर रहा है। और दोस्तों अभी आउटपुट चेक करने वाला हो, तो आउटपुट चेक करने के लिए ये वाला फैन को लगा देने वाला हो, देखने वाला है कि ये फैन कितना स्पीड से घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया है आउटपुट केबल, तो फिर से इनपुट करने वाला है ये वाला स्टेबलाइजर। सीरीज ऑन हो चुका है और फैन भी चालू, तो डायरेक्ट बोर्ड में लगाने वाला है, देखने वाला है फैन कितना स्पीड घूमता है। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है। और यहाँ पे मीटर में वोल्टेज आप लोगों को दिखा दो, 250 है दोस्तों, 250 वोल्ट आउटपुट कर रहा है दोस्तों। इनपुट वोल्ट अभी ज़्यादा है, 220 इनपुट वोल्ट है,
तो अभी 240 आउटपुट हो रहा है। तो ये वोल्टेज नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल वायरिंग है, अभी ये स्टेबलाइजर चालू है। तो मेरे वीडियो पसंद आने से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में आता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।